बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स पे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे जो कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी हैं, जो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और जो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और फ्यूचर पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ। एक्चुअली 19 सितंबर 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था। इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जो कि वर्ल्ड बैंक के अम्ब्रेला के अंडर हुआ था, उसमें पाकिस्तान के पास तीन दरियाओं यानी इंडस रिवर, कंप्लीट इंडस बेसिन सिस्टम, झेलम रिवर और चिनाब रिवर, ये तीन दरियाओं का जो 86% फ्लो ऑफ वाटर है उस पर पाकिस्तान का राइट तस्लीम किया गया था, और 16% जो है वो इंडिया का राइट तस्लीम किया गया था। इसी तरह जो तीन दरिया बाकी के जो पाकिस्तान में से गुजरते थे लोअर पंजाब में, जैसे कि रावी रिवर है, सतलज रिवर है और ब्यास रिवर है, इन तीनों दरियाओं का 100% फ्लो जो है उसका राइट इंडिया का माना गया था। तो तब से जो है वो इरिगेशन सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है। इसी ट्रीटी के तहत हमारा पूरा इरिगेशन सिस्टम जो आजकल अवेलेबल है, वो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और हमारे दो डैम जो है वो प्रपोज हुए थे जिनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। एक उनमें से तरबेला डैम था और दूसरा मंगला डैम था। तरबेला डैम, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा सबसे पहला डैम था जो 1974 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद फिर मंगला डैम बना, और जो तरबेला डैम है उससे हम 4885 के करीब मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मंगला डैम से हम तकरीबन 1150 मेगावाट जो है वो बिजली ले रहे हैं। नाज़रीन, हमारी टोटल जनरेशन कैपेसिटी अगर देखी जाए कि हमारा पावर पोटेंशियल कितना है जो हम इन दरियाओं से ले सकते हैं, अपने इंडस रिवर सिस्टम से, और झेलम रिवर है या चिनाब रिवर है या दूसरे जो ट्राइब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, जिनमें स्वात रिवर आ जाता है, काबुल रिवर आ जाता है, कुरब रिवर आ जाता है, और बहुत सारे छोटे छोटे दरिया हैं जो इसमें इंडस रिवर में गिरते हैं। तो इन सारों के ऊपर अगर हम अपना पावर पोटेंशियल जो हम ले सकते हैं, जनरेशन कैपेसिटी जो ले सकते हैं, वो तकरीबन 60,000 से लेके 65,000 मेगावाट तक जनरेशन कैपेसिटी है हमारे, जो कि हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम सिर्फ 9,000 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी जो है वो ले पाए हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ, आपको पता है कि ये 74 और 80s के बाद कोई डैम जो है वो नहीं बन सका, को बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सका था। तरबेला डैम जो है उससे हम, जैसे मैंने बताया कि 4,800 मेगावाट के करीब ले रहे हैं, मंगला से जो है वो 1150 मेगावाट ले रहे हैं। उसके बाद हमारे दो तीन और प्रोजेक्ट्स बने थे जिनमें गाजी ब्रोता प्रोजेक्ट है, गाजी ब्रोता प्रोजेक्ट जो है उससे हम 1450 मेगावाट ले रहे हैं, और इसके अलावा एक नीलम झेलम, हाल ही में 2 साल पहले नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कम्प्लीट हुआ है, उससे हम तकरीबन 970 मेगावाट ले रहे हैं। वार्सिक डैम जो कि एक बहुत पुराना डैम है हमारा, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, और तब से वो उससे जो है वो हम जनरेशन ले रहे हैं और उसको मेंटेन करते रहते हैं, उससे जनरेशन लेते रहते हैं, तकरीबन 240 मेगावाट के करीब जनरेशन हम वहाँ से ले रहे हैं। इसके अलावा एक चश्मा बैराज हमारा, बैराज पे हमने पावर प्लांट लगाया था, उससे हम 240 मेगावाट ले रहे हैं, और गोलन गोल एक हाल ही में लास्ट ईयर कम्प्लीट हुआ है प्रोजेक्ट, उससे हम 108 जो है वो मेगावाट कैपेसिटी ले रहे हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे डैम हैं, जैसे दूबर डैम है उससे हम 130 मेगावाट ले रहे हैं, पटरीन डैम है 150 मेगावाट ले रहे हैं उससे, और कुछ छोटे छोटे और डैम हैं जिनसे हम जो है वो कुछ कैपेसिटी ले रहे हैं। इस तरह हमारी टोटल जो जनरेशन कैपेसिटी बनती है वो तकरीबन 9,000-9,500 मेगावाट के करीब बनती है, जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारी, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारी तकरीबन टोटल जनरेशन कैपेसिटी तो 60,000 से लेके 65,000 मेगावाट है, लेकिन हम अभी तक सिर्फ ये 9,000 के करीब जनरेट कर सके हैं। एक्चुअली हमारा 80s के बाद, जैसा कि आपको पता है, एक कालाबाग डैम जो है वो अनाउंस हुआ था, लेकिन उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया और उसको नहीं बनने दिया गया। और वापडा का जो प्लान था कि हर 5 साल के बाद एक नया डैम स्टार्ट किया जाएगा, उस पर बिल्कुल अमल नहीं हो सका। एक्चुअली वापडा का जो प्लान था, इनिशियल प्लान, उसके मुताबिक कालाबाग के बाद
सॉरी तरबेला डैम के बाद कालाबाग बनना था, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो है वो भाषा पे काम शुरू होना था, और भाषा के बाद जो है और भी दासू डैम था या और नौलंग डैम था और बहुत सारे डैम थे जिनको जो कि उनके प्लानिंग में थे, लेकिन किसी पे भी काम स्टार्ट ना हो सका। उसकी वजह ये थी कि हमारी लोड शेडिंग की वजह से डिमांड बिजली की बहुत ज़्यादा थी और हमारी प्रोडक्शन बहुत कम थी, तो गवर्नमेंट्स को आईपीपी की तरफ जाना पड़ा, यानी थर्मल आईपीपी पावर प्लांट्स जो है वो लगाने पड़े। थर्मल की तरफ जाने से ये हुआ कि हमारी जो बिजली की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई। अभी मैं ये जैसे ये बताता चलूँ आपको, हमारी 62% आजकल जो जितनी भी जनरेशन है वो थर्मल जनरेशन है, 28% जो है वो हाइड्रल जनरेशन है जो कि हम पानी से मुख्तलिफ ये डैम से लेते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी 5% है, और इसी तरह न्यूक्लियर भी हम ले रहे हैं, तकरीबन 4-5% न्यूक्लियर हमारी जनरेशन कैपेसिटी है। नाज़रीन मैं ये बताता चलूँ कि ये जो थर्मल जनरेशन है ये आज भी हमें बहुत महंगी पड़ती है, ये 11 से लेकर 16 रुपए पर यूनिट जो है वो हमें पड़ता है इसकी जनरेशन। इसके अलावा बाकी जो ट्रांसमिशन के चार्जेस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस हैं, वो इसके अलावा हैं। इसी तरह हाइडल जनरेशन जो है वो सबसे सस्ती है, जो कि आज भी हमें 2-2.5 रुपए से लेकर 3 रुपए पर यूनिट पड़ती है, ये जनरेशन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस अलग हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी 8 से 10 रुपए पड़ती है, और न्यूक्लियर जो है वो भी 6 से 8 रुपए पर यूनिट जो है वो पड़ती है। तो इस तरह सबसे चीपर एनर्जी जो अवेलेबल है हमारे पास वो हाइड्रल पावर जनरेशन है। अच्छा, हाइड्रल पावर जनरेशन में जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक दासू डैम है जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ था, और इसके दो स्टेजेस हैं। स्टेज वन में एक पावर प्लांट बनेगा जिसकी 6 टर्बाइंस होंगी और 360 मेगावाट की ईच टर्बाइन है, और उस पर तकरीबन और फेज़ टू में भी इसी तरह दूसरे पावर प्लांट पे फेज़ टू में 6 टर्बाइन उसमें लगेंगी, और ये टोटल कैपेसिटी 4,320 मेगावाट की है। इसी तरह अभी हाल ही में दयामीर भाषा डैम जो है वो स्टार्ट हुआ है, जिसकी टोटल जनरेशन कैपेसिटी 4,800 मेगावाट है, और ये भी जो है यहाँ से 12 टर्बाइन लगेगी, 375 मेगावाट कैपेसिटी होगी हर टर्बाइन की। इसी तरह महमद डैम जो है वो भी अभी स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्ट तो हुआ था लेकिन उस पर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकी अभी तक। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसको थोड़ी एक्सपीडाइट करेगी और इस पर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, इससे हमें 800 मेगावाट बिजली मिलेगी। ये स्वात रिवर के ऊपर है। दयामीर भाषा डैम जो है वो इंडस रिवर के ऊपर है, दासू डैम भी जो है वो भी इंडस रिवर के ऊपर है, लेकिन जो महमद डैम है ये स्वात रिवर के ऊपर है। इसी तरह एक और कुरम तंगी डैम है, ये कुरम रिवर के ऊपर है, ये भी ट्राइब्यूटरी है एक्चुअली दरिया सिंध की, और इसके ऊपर ये डैम बन रहा है कुरम के मकाम पे, और ये इससे हम 85 मेगावाट कैपेसिटी जो है वो लेंगे। इसी तरह दो तीन और छोटे छोटे डैम जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे नौलंग डैम है, ये 5 मेगावाट का डैम है, और नई गज डैम है, ये डिस्ट्रिक्ट दादू में है और सिंध में, इस पर इससे भी 5 या 6 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो इस तरह ये जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन डैम्स हैं इनसे हम टोटल 9,000 से लेकर 9,500 तक कैपेसिटी जो है वो लेंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तकरीबन इनमें से कोई जो है 2022 में कंप्लीट होगा, 23 में, 24 में, 25 में, जबकि भाषा डैम जो है वो 2029 में जाके कंप्लीट होगा। दासू डैम जो बड़ा डैम है वो तकरीबन 2025 में उसके कंप्लीशन के अभी तक जो है वो स्केजुअल है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 9000 मेगावाट कैपेसिटी के ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये इसमें 9000 ऑलरेडी हम दे रहे हैं, 9000 और ऐड होगी तो ये टोटल 18000 मेगावाट के करीब जो है वो हमारी कैपेसिटी पहुंच जाएगी इन डैम से हाइड्रल पावर जनरेशन जो है। तो नाज़रीन ये है कि जो ही हाइड्रल पावर जनरेशन की कैपेसिटी हमारी बढ़ती है तो उससे उम्मीद है कि बिजली जो है वो सस्ती होने के चांसेज हैं। गवर्नमेंट से यही हम उम्मीद करते हैं कि ये जितने भी वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कंस्ट्रक्शन को एक्सपीडाइट किया जाएगा, और ताकि ये अपने टाइम पे मुकम्मल हो सकें, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो स्टार्ट तो हो जाते हैं कंस्ट्रक्शन, और उनका कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो 5 से 6 साल होता है, लेकिन वो बनते बनते जो है कम्प्लीट होते वो 8 से 9 साल लग जाते हैं। तो हमारी जो है उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इन पर सीरियस एक्शन लेगी, और जो भी इनका कंस्ट्रक्शन पीरियड है ये उसी में मुकम्मल होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पीरियड बढ़ने से उसकी कास्ट भी बढ़ जाती है, और फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है
के इनिशियली फिजिबल प्रोजेक्ट्स भी जो है वो ऑलमोस्ट नॉन फिजिबल की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को समझते हुए इन पे कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सपेडाइट करेगी, खासकर वापडा जो है जो इन सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहा है उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो भी जो है वो अपनी पूरी तवानाई जो है इस पर सर्व करेगा और तमाम के तमाम डैम जो है वो अपने पीरियड पर मुकम्मल होंगे।